भावलोग, नॉलेज मेक्स यू पावरफुल एंड नॉलेज मेक्स यू वाइजर। बस मुझे दो मिनट देना, मैं ड्यून यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन आपके अंदर कूट कूट कर भरने वाला हूँ आज, क्योंकि ड्यून प्रोफेसी वेब सीरीज कल मंडे मॉर्निंग यानी 18 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। और अक्सर ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्स की स्टोरी फर्स्ट एपिसोड में उतनी हिट नहीं हो पाती, क्योंकि स्टोरी के अंदर बहुत से इंटरलिंक चलते रहते हैं, जो कब क्या हो रहा है, कौन सा कैरेक्टर क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है। ऊपर से मेन पॉइंट इज दैट कि कहानी किस बेस पर चल रही है, क्या कहना चाहती है और क्या मकसद है इसका। तो जब इन सारे सवालों का जवाब हमें किसी भी स्टोरी का मिल जाता है, तो फिर उस कहानी को समझने में और देखने में मजा आता है। तो ड्यून प्रोफेसी शुरू करने से पहले मैं इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि ड्यून प्रोफेसी एड्रेस करेगी जेनर साइफाई थ्रिलर ऑफ हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा, जिसमें सब कुछ मिलेगा, एडवांस एआई हाईटेक, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ऑफ डिस्टोपियन एरा मिंट एंड भर भर के अमेजिंग एक्शंस। सो अपना सपोर्ट यूं ही बना के रखो। तो शुरू करते हैं भावलोग। ड्यून प्रोफेसी एस्टैब्लिश होती है 10,000 साल पहले पॉल एट्रेडिस के जन्म से पहले, जो एक मसीहा था उर्फ लिसान अल गैव ऑफ ड्यून मूवी, जिसका काम ड्यून यूनिवर्स में शांति लाने का था। बाकी डिटेल में पॉल एट्रेडिस एंड ड्यून मूवी के बारे में जानना हो तो मैंने ड्यून पार्ट 1 का रिकैप डाल रखा है, तुम वहां से देख सकते हो। बाकी ड्यून प्रोफेसी में कहानी स्टार्ट होगी आफ्टर द 150 ईयर ऑफ ग्रेट मशीन वॉर, जिसमें ह्यूमंस मशीन को हरा देंगे, और ये ब्रूटल वॉर थी जस्ट लाइक वॉर अगेंस्ट एआई एंड हाई टेक्नोलॉजी। उसके बाद हाउसेस डिवाइडेड कर दिए गए, जिसमें बहुत से ग्रेट हाउसेस थे, लेकिन एट्रेडिस एंड हारकोनन काफी यूनिक एंड पावरफुल हाउस थे, और इन सबको कंट्रोल करता है कोरिनो फैमिली, यानी इन सारे हाउसेस का एम्परर, जिसमें मार्क स्ट्रॉन्ग याविको कोरिनो पेन रूलर एंड कंट्रोलर का रोल प्ले कर रहे हैं, और सारे लॉ एंड पॉलिटिक्स को भी हैंडल करेंगे। एंड कोरिनो फैमिली की ग्रेट पॉलिटिक्स ही इस फैमिली को एम्परर के पद पर बरकरार रखती है। बाकी एट्रेडिस और हारकोनन के बीच में जो कट्टर दुश्मनी जगह लेगी, वो मशीन वॉर के बाद ही लेगी, जहां एट्रेडिस का मानना रहेगा कि हारकोनन ने धोखा दिया उस वॉर में और अच्छे से साथ नहीं दिया। बाकी अरेकिस प्लैनेट की तरह और भी प्लैनेट दिखाए जाएंगे इस सीरीज में, लेकिन मेन रिच ऑफ वेल्थ अरेकिस प्लैनेट ही होने वाला है, क्योंकि वहां स्पाइस सैंड जो मिलता है, जिसकी वैल्यू बहुत हाई है एंड उससे जीवन यापन भी होता है। बाकी इसमें हारकोनन एंड एट्रेडिस का इतना हाई एड्रेस नहीं करा जाएगा, क्योंकि इस सीरीज में जबरदस्त पॉलिटिक्स देखने को मिलने वाली है एम्परर एंड सिस्टरहुड के बीच में। और वैसे तो ट्रेलर से अभी तक यही पता लग रहा है कि मेन सिस्टरहुड्स की कहानी पर ही ज्यादा फोकस करा जाएगा, जो कि बताएगा कि व्हाई सिस्टरहुड्स आर सो पावरफुल, इनका क्या ओरिजिनेशन है, और इस ड्यून यूनिवर्स के इवोल्यूशन में, इस ड्यून यूनिवर्स के पॉलिटिक्स में इनका क्या पार्टिसिपेशन रहेगा, योगदान रहेगा। और अगर देखा जाए तो सिस्टरहुड्स आर बैकबोन ऑफ दिस ड्यून यूनिवर्स। बाकी नेगेटिव साइड में वाल्या हारकोनन देखने को मिलने वाली है, यानी सिस्टरहुड्स सुप्रीम लीडर, जो रोल प्ले कर रही है एमिली वॉट्स, बहुत पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस कैरेक्टर होने वाला है, जो हारकोनन ब्लडलाइन को फॉलो करती है। और इस पार्ट में हमें यह नहीं दिखाया जाएगा कि हारकोनन पहले से जल्लाद थे, जैसे मूवी में दिखाया गया था, हारकोनन शुरू से ऐसे नहीं थे, बाद में भले एवोल्यूशन हुआ होगा। और मैं आपको बता दूं, पॉल एट्रेडिस की अम्मा लेडी जेसिका भी एक हारकोनन थी, अगर आपने मूवी में नोटिस किया होगा इस पॉइंट पर तब। बाकी आई एम एक्साइटेड फॉर द ट्रेविस फीमेल रोल, जिसे आप रैग्नार लॉथब्रुक के नाम से भी जानते हैं, जो डैमसन हार्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। मे बी एम्परर फैमिली के मेन कमांडर देखने को मिल सकते हैं, जिसका 36 का आंकड़ा रहेगा वाल्या हारकोनन से, यानी सुप्रीम लीडर ऑफ सिस्टरहुड से। दूसरा, सिस्टरहुड की खासियत मैं आपको बता दूं, ये मैजिकल पावर में काफी अव्वल है, इन्होंने खुद को इतना इवॉल्व कर लिया है कि इन्हें इमोशन एंड पेन कुछ भी असर नहीं करता, और इतने वाइजर हो चुके हैं कि खुद की प्रेगनेंसी के बारे में भी पहले से बता सकती हैं कि पेट में बेटा है या बेटी, और इस बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला होगा और क्या वजूद होगा, जहां वो लड़कियों को ज्यादा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि लड़कियों को अपने हिसाब से एजुकेट किया जा सकता है, उन्हें ढाला जा सकता है, पर लड़कों को नहीं, जो हमने ड्यून मूवी में भी देखा था। पॉल एट्रेडिस के अंदर अपनी मां की सारी खूबी थी, फ्यूचर पास सब कुछ देख सकता था, लेकिन ये अनकंट्रोलेबल था और वॉरियर स्किल ऐड होने से काफी पावरफुल हो चुका था। बाकी तबू का रोल सिस्टर फ्रांसिस्का होगा, एंड मैनी मोर पावरफुल कास्ट एंड कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये थी ड्यून प्रोफेसी सीरीज में घुसने से पहले की इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको फीड कर दी है। अभी फर्स्ट एपिसोड से ही स्टोरी आपको अच्छे से हिट करने लग जाएगी, और आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि कहानी आखिर चल क्या रही है। तो मिलते हैं बाबा ड्यून प्रोफेसी के फर्स्ट एपिसोड में, यानी कल मंडे मॉर्निंग पर, जो आपको जियो सिनेमा पर अवेलेबल हो जाएगी हर दिन, सॉरी 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 नॉट हर दिन,
मंडे मॉर्निंग पे। बाकी मेरे रेगुलर व्यूअर्स एंड न्यू व्यूअर्स को मैं बता दूं, इस चैनल पर कहानी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे चलती है जो अभी हम फ्रॉम वेब सीरीज में फॉलो कर रहे हैं। पहले रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन, देन एपिसोड का ब्रेकडाउन एंड एंडिंग एक्सप्लेन और उसकी हिडन डिटेल्स के बारे में जानना, देन उसके बाद प्रोमो के साथ फ्यूचर स्टोरी एंड प्लॉट स्टोरी तैयार करना कि क्या हमें कहानी मिल सकती है, एंड थ्योरी प्लॉटिंग वगैरह वगैरह। तो इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर ड्यून प्रोफेसी में भी कहानी चलती रहेगी हमारे चैनल पर। तो बस यूं ही बने रहो, नए हो तो यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड बेल आइकॉन जरूर दबा लेना, क्योंकि टाइम पे आपको वीडियो इससे मिल जाया करेगी। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी ड्यून यूनिवर्स के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं बाबा, नीचे कमेंट्स जरूर बता के जाना। ड्यून फर्स्ट एंड ड्यून सेकंड मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। बाकी ड्यून फर्स्ट मूवी का रिकैप मेरे चैनल पर पड़ा ही है। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।